स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में फेमस इंडियन स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर ज्ञान मुखर्जी जी के डायरेक्टिंग करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इनकी सबसे पहली मूवी आई थी 1940 में, जिसमें इन्होंने स्क्रीन प्ले किया था, जिसका नाम था बंधन। इस मूवी को डायरेक्ट किया था NR आचार्य जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे अशोक कुमार, लीला चिटनेस, पूर्णिमा देसाई और शाहनवाज। इस मूवी का बजट था 5 लाख रुपए। इस मूवी ने कमाई की 50 लाख की। इस मूवी को कमाई के अनुसार से बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1941 में झूला। इसको डायरेक्ट किया था ज्ञान मुखर्जी जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थी अशोक कुमार, लीला चिटनेस, करुणा देवी, मुमताज अली और शाहनवाज। इस मूवी का बजट था 5 लाख रुपए। इस मूवी ने कमाई की 45 लाख की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1941 में ही नया संसार। इसमें भी उन्होंने स्क्रीन प्ले किया था। इस मूवी के डायरेक्टर थे NR आचार्य जी। इस मूवी लीड कास्ट में थे अशोक कुमार, रेणुका देवी, शाहनवाज, मुबारक और जगन्नाथ। अगली मूवी आई थी 1943 में, जिसका नाम था किस्मत। इसको डायरेक्ट किया था ज्ञान मुखर्जी जी ने। इसमें लीड कास्ट में थे अशोक कुमार, मुमताज, शांति, शाहनवाज और मुबारक। इस मूवी का बजट था 2 लाख रुपए। इस मूवी ने कमाई की 1 करोड़ की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1944 में, जिसका नाम था चल चल रे नौजवान। इसको डायरेक्ट किया था ज्ञान मुखर्जी जी ने। इसमें लीड कास्ट में थे अशोक कुमार, नसीम बानो और रफीक गजनवी। इस मूवी का बजट था 5 लाख रुपए। इस मूवी ने कमाई की 30 लाख की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1950 में, जिसका नाम था संग्राम। इसको डायरेक्ट किया था ज्ञान मुखर्जी जी ने। इसमें लीड कास्ट में थे अशोक कुमार, नलिनी जयंत, हिमावती, सज्जन और शशि कपूर ने इसमें चाइल्ड आर्टिस्ट रूप में काम किया था। इसका बजट था 25 लाख रुपए। भारत में इसने कमाई की 55 लाख की और दुनिया में 1 करोड़ की कमाई की। कमाई के अनुसार इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। ज्ञान मुखर्जी डायरेक्शन। अगली मूवी आई थी 1953 में, इसका नाम था शमशीर। इस मूवी लीड कास्ट में थे अशोक कुमार, बी भानुमती, स्मृत विश्वास और महमूद। ज्ञान मुखर्जी जी के डायरेक्शन में बनने वाली अगली मूवी का नाम है सरदार जी, जिसको 1955 में आई थी। इसमें लीड कास्ट में थी अशोक कुमार, बीना राय, निगार सुल्ताना, महमूद और इफ्तिखार। इनकी अगली मूवी आई थी सन 1956 में, जिसका नाम था शतरंज। इस मूवी लीड कास्ट में थे अशोक कुमार, मीना कुमारी, नंदा कर्नाटकी, विजय लक्ष्मी, लीला मिश्रा और राजेंद्र नाथ। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1959 में, जिसका नाम था मधु। इस मूवी लीड कास्ट में थे मीना कुमारी, कुमकुम, टुनटुन, प्रतिमा देवी, करण धवन और जगदीश शेट्टी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस एवरेज करार दिया गया। ये इनकी लास्ट मूवी थी, इसके बाद इनकी कोई मूवी नहीं आई। तो व्यूअर्स, ये फेमस स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर ज्ञान मुखर्जी जी की मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनकी डायरेक्शन और इनके स्क्रीन प्ले में बनने वाली कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर या फिर एक्टर एक्ट्रेस का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। व्यूअर्स, हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल वीडियो वॉचिंग।